हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? होप सो आप अच्छा होगे गाइज और अच्छा कर रहे होगे। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कल जो लिस्ट का प्रॉब्लम हुआ था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, तो गाइज़ क्या आपको अपडेटेड लिस्ट मिल गई है और क्या आपको पता चल गया है कि आपको री एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है? अगर आपको कुछ भी पता हो तो गाइज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। तो गाइज़, इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है नागपुर यूनिवर्सिटी मेंबर्स वॉन्ट्स प्रोमैक आउटस्टेड फ्रॉम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको इस आर्टिकल के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो अमरावती यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो प्रोमैक सॉफ्टवेयर है उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया है ड्यू टू सम उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके वजह से। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स एज वेल पास्ट एंड प्रेजेंट सैचुरी मेंबर्स इवन गोंडवाना यूनिवर्सिटी डिसकंटिन्यूड्स इट्स 7 कॉन्ट्रैक्ट विथ नागपुर फर्म ऑन पैथिक सर्विस। तो गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने भी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो भी कैंसिल कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ आपको रीजंस पता ही होंगे। Official disclosed that even a tender wasn't floated before the contract for the MCQs test was awarded to the firm which operates from Ramdaspet. As a result, Nagpur University experiments with online exams turned out to be a big disaster with its official and members squarely pinning the blame on the company. A majority of over 75,000 final year students continue to face some problems for the other while appearing for the exam since October 8. On most days, either Pariksha app developed by Promac crashed or its server in Hyderabad developed snags forcing मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स टू टेक अ री एग्ज़ाम्स। तो गाइज़ ये तो सबके साथ ही हुआ होगा कि जब उन्होंने एग्ज़ाम दी होगी तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये प्रॉब्लम्स सबको फेस करना पड़ रहा था। इवन टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग वाइस चांसलर एंड सुभाष एंड प्रफुल्ल साबले फेसिंग फ्लैग एंड बैकिंग द सॉफ्टवेयर फर्म्स refuting allegations a senior Promac officials told TOI that Amravati University blacklisted the firm without any official communication. The firm will challenge Amravati University moves in court as it ₹50,000 depositors was also seized. तो गाइज जो Promac software है जब उनको blacklist किया गया अमरावती University ने तो उनके साथ कोई भी official communication नहीं हुआ है, तब ये court में उनको challenge करने वाले हैं। शो अस एनी यूनिवर्सिटी विच इज़ फ्री, उन्होंने ये भी बोला है कि हमें ऐसे भी कोई भी यूनिवर्सिटी बताओ जहाँ पे जब उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ली तो उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। और ये प्रैक्टिकली सच है गाइस कि ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जब जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली तो उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। इसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये बोला कि नागपुर यूनिवर्सिटी डिडंट फेस एनी मेजर डिफिकल्टीज एंड हेंस द इशू ऑफ टर्मिनेटिंग द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अराइज। ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर फेसिंग टेक्निकल ग्लिचेस, इन फैक्ट नागपुर यूनिवर्सिटी पोजिशन इज़ फार बेटर दैन द अदर्स। वी डिड हैव सम डिफिकल्टीज एंड एग्जाम्स वेर कैंसल बट वी सक्सेसफुली रिकंडक्ट डेम। तो इनका भी सही है गाइज कि जितने भी एग्ज़ाम्स है वो गाइज रिकंडक्ट की गई है या फिर उनकी जो एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किए गए और जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो उनकी री एग्ज़ाम्स के थ्रू एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि जब हमारी जो कंडीशन है अभी तो ये काफ़ी अच्छे है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो गई है और जिनकी भी बची है तो उनके भी 2-3 पेपर ही बचे तो उनके भी एग्ज़ाम्स अगर जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे जाके फेस नहीं करना पड़ेगा। बट क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी है जहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अभी स्टार्ट हुए है तो इससे उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि उनको एक साथ कंटिन्यू पेपर देना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने एक दिन की गैप में आराम से पेपर भी दिए और जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स तो थे बट जिनकी एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गई होंगी तो उनको जब खुशी भी होगी कि हमारी एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गई है और जो प्रॉब्लम्स थे वो भी मतलब सॉल्व हो ही गए। ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम्स नहीं थे बट प्रॉब्लम्स थे तो उनको सॉल्व किया गया है। बट फर्स्ट टाइम था, हम भी बोल सकते कि फ़र्स्ट टाइम था यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, तो वो भी आगे जाके अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्रॉब्लम्स ना आए तो सही होगा गाइस हमारे लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखते हैं गाइस इस पे अगर कोई केस वगैरह होता है तो पता चल ही जाएगा और इसके भी ऊपर अपडेट आ ही जाएगा। इसके अलावा जो हमारी एग्ज़ाम्स है और जो हमारी रिज़ल्ट है उसके ऊपर अभी तो मतलब कोई अदर नोटिस या फिर ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आपको मिलते रहे।